गतकाली देखिथिले नुआ चेहरा उपरे भरसा करा जाइछि सुजोग दिया जाइछि नुआ चेहरा को छत्तीसगढ़ कथा आम देखुले मध्यप्रदेश कथा जब देखा बड़ विजय बीजेपी को लगी वर्तमान जब देखा नुआ ना को सुजोग मिली मोहन यादव मध्यप्रदेश नुआ मुख्यमंत्री हेबापाई जाउछन्ते दक्षिण उज्जैन आसन विधायक रही मोहन यादव 2013 प्रथम थर पर से विधायक होते तेज दुई दुईट नुआ चेहरा दुई दुई जन नुआ मुख्यमंत्री को सुजोग बीजेपी छत्तीसगढ़ कथा आम गत काली देखुले कि भाव में विष्णुदेव साय रही नुआ मुख्यमंत्री भाव में सुजोग दि जाप्रदेश नुआ ना सामना को आसुची मोहन यादव का ना जेकि वर्तमान मध्यप्रदेश कमान संभालिबे बीजेपी विधायक दल बैठक निष्पत्ति निया जाय छि मोहन कनारे मोहर बाजी छि शिवराज सरकार रे शिक्षा मंत्री मध्यो से रही सारी छंती 2013 प्रथम थर पई से विधायक होइतले 2018 मध्यो मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन रे निर्वाचित होइतले उज्जैन दक्षिण सीट रु विधायक भाबरे 2 जुलाई 2020 रे शिवराज सिंह चौहान को हमारे प्रदेश से हमारे शहर से माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा हुई है। निश्चित नेतृत्व ने निश्चित राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और वो कोई नए नेता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने काम नाम चला काम करते हुए आ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। नए चेहरे पर लगाई गई है मोहर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है की छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े पद के मूल्य मौका। आपका नाम कैसे, कहां से हैं? मैं गोविंद नायक साजापुर उज्जैन संभाग से हूं और मोहन यादव नए नेता नहीं है, विद्यार्थी परिषद और संघ से का बचपन से काम करते हुए अपना प्रतिक्रिया सुनते जे कि भाव में नुआ चेहरा होता है किंतु नुआ नेता से नुहंती अभिज्ञता रही कथा प्रतिक्रिया शुणी तेज मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। शाजापुर मध्य आशीष नागर। मोहन यादव जी का नाम सुनना, क्या कहना है? बिल्कुल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, वह आशीर्वाद लेकर इस मध्य प्रदेश को चहुंमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। शिवराज सिंह जी की जो योजना है उसको निरंतर रूप से लागू रखेगी और संगठन के नेतृत्व में काम किया जाएगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।